अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है गपशप टुनाइट। और आपको पता है कि इस वक्त जब आप अपने सारे कामों से फ्री हो चुके होते हैं तो हम आपको करने के लिए आते हैं लुत्फ अंदोज, इंटरटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप इससे किस कदर इंटरटेन हो रहे हैं वो हमें आपकी फीडबैक से अंदाजा होता चला जा रहा है। और अभी हमारी कोशिश जारी है कि इसको हम और बेहतर से बेहतर करें ताकि आपका ये जो एक घंटा है बेहतर से बेहतर होता चला जाए। अच्छा जी, हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी दो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। एक तो बहुत आपके फेवरेट हैं, उनको हमने बुलाया है ताकि आज की शाम आपकी और बेहतर और मज़ेदार हो जाए। उनसे भी आपका मैं इंट्रोडक्शन डेफिनेटली करवाऊंगी। मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ अप्रैल फूल पे। अप्रैल फूल लोग क्यों मनाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पता नहीं किसने ये शुरू किया है, ये मुझे पता नहीं है। इसकी हिस्ट्री में जाके कभी ज़िंदगी में हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए। अप्रैल फूल को लोग समझते हैं कि हाँ जी ये शरारत है और ये वो। जैसे हम लोग पहले भी अपने कुछ शोज़ में ये बात कर चुके हैं कि आप अपनी शरारतों के ज़रिए भी लोगों के दिल दुखा देते हैं, लोगों को तकलीफ़ें पहुँचा देते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। शरारत उतनी ही अच्छी लगती है जितने छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो जब इंसान बड़ा हो जाए मेरे ख्याल में उसको फिर शरारतें सूट ही नहीं करती। ये क्या शरारत हुई कि जी आपने फ़ोन करके फ़ोन उठाया और आपने किसी को फ़ोन किया, वो जी आपके भाई का तो एक्सीडेंट हो गया है, फटाफट फलां हॉस्पिटल पहुँचे, वो तो जान से जाएगा। और जब आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो आप पागल बन जाते हैं, लेकिन तब तक आपका जीना मरना तो बराबर हुआ होता है ना। ना आप जिंदा होते हैं ना आप मौत पे जा रहे होते हैं, क्योंकि आपके लिए ये एक ऐसी बैड न्यूज़ होती है किसी की भी, आपके घर वालों के मामले में, आपके दोस्तों के मामले में। ये इस तरह ये कौन सा अप्रैल फूल है मुझे आज तक समझ में नहीं आता। तो खुदारा इसी बात के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आज हमेशा की तरह जैसे अपना कुछ ना कुछ मैं मैसेज पहुँचाने की कोशिश करती रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ ये अप्रैल फूल मनाना बंद कीजिए और लोगों को हर्ट करना, उनको तकलीफ़ पहुँचाना बंद कीजिए। तो मेरे ये दो जो साथी हैं ये अप्रैल फूल किस तरह से मनाते हैं आई होप बहुत बुरे तरीके से मनाते होंगे। सो प्लीज वेलकम बरकत अनुजमी। जो लाइव आ रहे हैं वो तो अपना इंट्रोडक्शन दे ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं क्या? टीवी ऑन कर लाइव आ गए हैं। बस सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हां, ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं फैसल राजा। इसी बात पे बात आ जाए, मैं क्या होता है? आप टीवी में खबरें पढ़ रहे हैं, मैं होता है? सबसे पहले नताशा, गुड टू सी यू। और हम आपके लिए लाए हैं ये फूल बिकॉज़ यू आर सो लवली एंड सो पॉजिटिव गर्ल। और हमने आज तक किसी होस्ट को ये नहीं दिया, सिर्फ आपको आपको दे रहे हैं क्योंकि आपके कुछ खास है। ये है आपके लिए फूल और यही अप्रैल फूल। थैंक यू सो मच। अब तो मेरा भी बनता है कि मैं आप लोगों के लिए कम से कम घर से एक पराठा ही बना के ले। अरे नहीं नहीं, आप डिजर्व करती हैं और इसमें नीचे बिल लगा हुआ वो पे करते हैं। अच्छा बिल, मजाक कर रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अप्रैल फूल मनाते हैं? नहीं नहीं भाई, हमें अप्रैल फूल बनाने की जरूरत नहीं, हम तो पहले ही पाकिस्तानी है। तो फूल बनाने की जरूरत नहीं, हम तो बने बनाए। बोल के ना सॉरी, अब ये सॉरी वर्ड कितना कमाल वर्ड है। आप लड़ाई में कह दो सॉरी तो बंदे का गुस्सा खत्म, और अगर डॉक्टर कहते तो बंदा खत्म। सॉरी, और अगर आप कह दें तो शो खत्म। इसलिए आप मत कहिएगा। लाइव आ रहे हैं भाई इस्लामाबाद से। जी, अप्रैल फूल, आप अपनी खबरें दो मिनट के लिए छोड़ें, कभी जिंदगी में आपने अप्रैल फूल मनाया है? मैंने भी मनाया था, बड़ी मार पड़ी थी मुझे। अच्छा, अप्रैल निकल गया था, मई में मनाया था मैंने। अप्रैल में मनाते हैं ना, बल तो मनाना ही नहीं चाहिए। अप्रैल नहीं, अप्रैल अप्रैल में। अच्छा डॉक्टर ने इसको कहा, मैंने आपको एंटीबायोटिक जो है वो रात को 9 बजे खाने को कही थी और आपने शाम में 6 बजे ही खा ली, ये क्या करा? करे एक्चुअली मैं जरासीम को सरप्राइज देना चाह रहा था। ये हुआ था। अच्छा जी, कॉमेडी की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो हमारा शो ही इंटरटेन करने के लिए होता है और एंटरटेनर्स हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पे तीन तीन मौजूद होते हैं, तो हमने आज एक ऐसे सेलिब्रिटी को, आपके फेवरेट स्टार को मधु किया है अपने शो में, जिनको देखकर आप बहुत सालों से हंसते चले आ रहे हैं, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और इतने मज़े के कॉमेडियन हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने क्या बताना, आप लोग खुद जानते हैं। और इतने बेतहाशा प्लेस करते हैं, सीरियस कैरेक्टर भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा ये जब कॉमेडी करते हैं, एक जुमला बोलने की देर होती है तो इंसान का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। रिसेंटली मैंने इनके साथ भी एक मैंने भी प्ले किया है, और मैंने पहले भी आपको जब सना अस्करी से आपकी मुलाकात हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि हमने एक बिहारी प्ले किया। और इसी तरह ये जो अभी एक सितारा हमारे मुल्क का चमकता हुआ सितारा जो अभी आने वाले हैं, ये भी थे उस प्ले में। तो
तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज वेलकम इस्माइल तारा। आपके लिए तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लेडीज फर्स्ट आप। नहीं मैं तो अभी अभी तो मेरी ड्यूटी चल रही है। ओके तशरीफ रखिए। जी जी जी। खालू ठीक हैं का? अरे हम ठीक हैं, तुम सुनाओ। हम ठीक हैं, हम अगली गेस्ट को बुला रहे हैं। बुलाओ ना। बुला रहे हैं जी। तो हमारी जो अगली गेस्ट वो उभरता हुआ सितारा और मॉडलिंग की दुनिया में बहुत अच्छा अच्छा नाम बना रही हैं। बहुत सारे फैशन शोज जो हैं वो आप देखते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे फैशन शोज चलते हैं और अब तो मॉर्निंग शोज में भी फैशन शोज हो रहे होते हैं, तो मैंने भी 2-3 वो वाले फैशन शोज किए मॉर्निंग शोज वाले, तो उसमें भी ये मेरे साथ थी और बड़ी ही क्यूट सी लड़की हैं और इनसे बहुत सारी बातें मैंने पूछनी है कि किस तरह से कदम रखा और अभी आने वाले वक्त में क्या करने वाली हैं, क्या एक्टिंग की तरफ जाने वाली हैं या नहीं। बहुत प्यारा सा फेस है। प्लीज वेलकम बिस्मा। क्या हाल है? आइए तशरीफ रखिए। और आइए ना प्लीज। ये दोनों भी होते हैं हमारे शो में। हेलो जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप कैसे? कभी कभी दिख जाते हैं बस। अगर भी ये भी हैं। मैं अपने सेट को एक्चुअली खूबसूरत करना चाह रही हूँ। नहीं ऑलरेडी खूबसूरत है आप? नहीं आप लोगों ने क्योंकि मुझे ये बुके दिए इतने प्यारे प्यारे, तो ये किसी के मुंह पे भी ना आए तो हम इसको बिल्कुल यहाँ पे मेड करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कल हो जाए। वाह वाह वाह। अच्छा जी, क्या चल रहा है तारा साहब जिंदगी में? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बस मिलते जा रहे, करते जा रहे हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने रिसेंटली मेरे ख्याल में एक एक चैनल, ये वाला जो चैनल है वहां से आपने छोड़ा भी है, है ना? बहुत जरूरी हो गया था मेरे ख्याल में छोड़ना। हां जी। नहीं नहीं वो हमने तो नहीं छोड़ा है। हाँ उन्होंने छुड़वा दिया। उन्होंने सारों को छुड़वा दिया। सारों को छुड़वा दिया। तारा साहब 50-50 आपकी शोहरत का बाइस बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद 50-50 जैसा सीरियल, वो चीज दोबारा हमें टीवी स्क्रीन पे दिखी नहीं। क्या कभी जिंदगी में दोबारा किसी ने बनाने के बारे में सोचा नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब तो बहुत आसान है करना, यानी पी टीवी पे इस किस्म के प्रोग्राम करना कोई आसान नहीं था। और दूसरा ये कि पी टीवी पे पहली बात तो कॉमेडी करना ही बड़ा मुश्किल काम था, जो कि हमने 2.5 साल तक किया जी। पहले तो कभी होता ही नहीं था ऐसा, पहले तो बड़ा सोच समझ के होता था सारा जी, आप समझे ना। बिल्कुल। अच्छा उस वक्त पी टीवी के जमाने में जब आपने टीवी ज्वाइन किया एज एन एक्टर, उस वक्त तो तारा साहब बहुत मुश्किल होता होगा कि टीवी मौका दे दे आपको, कोई एक्टर बनना चाह रहा है तो उसको मौका मिल जाए, तो आपको मौका कैसे मिला? आजकल तो प्लेट में रख के मिल रहा है सारों को। आजकल मिल रहा है ना, मैं तो उस वक्त की बात, अब तो बड़े धक्के खाए, बड़े बहुत धक्के खाए। हाँ ऐसा नहीं है, बड़ा मुश्किल उस दौर में। तारा साहब कोई यादगार धक्का, यादगार वाकया, यादगार यानी कि कोई ऐसा वाकया यादगार झटका? हाँ आपने क्योंकि सफर बहुत किया है। अच्छा सफर की बात कर? हाँ ट्रैवल बहुत किया आपने। हाँ तो मेरे एक पुराने साथी मरूम होते थे सलाउद्दीन तूफानी, मैं भी इनको जानता हूँ, बड़े अच्छे और काफी शोज किए, कमर्शियल शोज आपने। हाँ, आप उनका बेटा करता है अली, अली तूफानी। अच्छा अच्छा वो करता है ना। हाँ, 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 अली तूफानी। अब आप सफर का वाक्या सुनेंगे? आप जरूर रहेंगे जी, सफर का सुनाएं। ये ना कि रवि लाल जो बैठे बैठे छक्के लगा रहे हो ना स्टेडियम में, आप पे उंगलियां उठ रही हैं देखने का। अच्छा बिस्मा हमारे साथ हैं। बिस्मा मॉडलिंग में कब आई और किस तरह इत्तेफाक से आ गई, ये शौक था? मॉडलिंग का मुझे शौक था, 4 साल पहले मैंने अपनी मॉडलिंग स्टार्ट की थी और अब माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हूँ। हाँ डेफिनेटली। yeah. अच्छा तुम्हें लगता है कि अब मॉडलिंग में आना आसान है? मॉडलिंग में आना आसान है और सेफ भी है। हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मॉडलिंग अच्छी नहीं होती या लोग लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी फैमिलीज या अक्सर मॉडल्स की फैमिलीज उनको अलाउ नहीं करती, तो ये चीज़ गलत है। अच्छी फील्ड है और अच्छा स्कोप भी है आपका आगे कि आप आगे बढ़ सकें। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अभी आगे एक्टिंग की तरफ आने के बारे में क्या प्रोग्राम है? एक्टिंग मैं कर रही हूँ। अच्छा ऑलरेडी जी? ऑलरेडी कर रही हूँ, मेरी अभी एक मूवी आई थी।
अच्छा। जी तो मैंने जावेद शेख के साथ की थी, उन्होंने डायरेक्ट की थी। मैं अली सलीम के साथ थी। अच्छा, ओके। जी उनका ये था कि वो एक फिल्म डायरेक्टर होते हैं और मैं उनकी असिस्टेंट होती हूँ। अच्छा। जी तो इस तरह का मेरा है। और फिर जावेद सॉरी दानिश भाई दानिश तैमूर आते हैं और वो मुझसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि मुझे उनसे मीटिंग कराएं। तो इस तरह का कुछ मेरा है। अच्छा आप बाकी कंटिन्यू कर रहे थे जरा सर, यार मुझे मौका दोगे तो अभी मौका दे रहे हैं आपको मौका इजाजत बिल्कुल इजाजत है। अच्छा जी हम ट्रेन में सफर कर रहे थे तो सामने मैं बैठा हुआ था, सलाउद्दीन तूफानी साहब मेरे सामने और बर्थ पे कोई साहब। अब हमने खाना मंगवाया जो ट्रेन का होता है खाना जी। अब वो खाना खाना शुरू किया तो अचानक देखा मैंने कि सलाउद्दीन तूफानी साहब के ट्रेन में जो है वो चटनी भी है और नींबू भी है, धनिया पाउडर सब लगा हुआ। हाँ। और मेरा सादा। हाँ। मैं कहा यार तुझे तो बड़ी स्पेशल प्लेट ला के दी उसने और मैं तो सादा तो खा रहा था। तो मैंने कहा खा फिर, वो खाया। ये कैसी चटनी है भाई? हाँ। उसने ये कैसी चटनी है? हाँ। तो उसने अचानक गिरने का कैसी चटनी, तो ऊपर देखा तो एक साहब ऊपर लेटे हुए क्या कर रहे हैं खान साहब। तो तारा साहब वो चटनी दोबारा बनाने की कोशिश की आपने? अच्छा वो ये शूटिंगों में खाने भी बड़े जो है ना लेट मिलते हैं आजकल। लंच जो है जी जी नहीं आ रहा, 3 बज गए 4 बज गए 5 बज गए नहीं आया। एक शूटिंग में मैं था तो मैंने कहा यार अभी तक खाना नहीं आया। तो एक आवाज आई, अरे मानी आ गई, मानी आ गई। अरे मैंने कहा यार वाह यार मानी आ गई, चलो 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 खाना। यार सिंधी में मानी कहते हैं ना। हाँ, रोटी को। पता लगा एक्टर मानी आया है। मानी खड़ी है मानी। वाह वाह। जी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप बोल सकते हैं। आज आज माशाल्लाह सेट बिल्कुल कंप्लीट और बड़ा प्यारा लग रहा है। देखो चांद बराबर में तारा, यहाँ चांद तारा साथ है। अच्छी बात है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। इनके ऊपर एक शेर अगर इजाजत हो आपकी। जी जी बिल्कुल इजाजत भाई। ये दिल आया इसी काम के लिए चला इशाद गैबी। ये दिल पतंग होता उड़ाता गम के धागों से, बनाता इश्क का मांझा लड़ाता हुस्न वालों से। वाह 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 वाह। अच्छा ये बात हकीकत है? क्या है हकीकत बताना। आराम से बताऊंगा। अच्छा इसमें टीवी की तरफ तो नहीं आई आप? नहीं टीवी की तरफ अभी नहीं आई। अच्छा टीवी की तरफ आना है? टीवी की तरफ आना है इंशाल्लाह आने वाले मतलब फ्यूचर में इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह टीवी में आऊंगा। अच्छा ठीक है, जब अच्छी अच्छी अच्छा प्रोडक्ट। हाँ जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट आए या कुछ हो तो इंशाल्लाह। अच्छा तारा साहब 100 से ज्यादा फिल्में की हैं आपने और इतनी कॉमेडी की है। एक तो मैं क्लिप आपका देख भी रही थी, हम दोनों इकट्ठे ही थे सेट पे। आप वो जो लड़की बन के डांस कर रहे थे सर, कमाल लव यू। इसकी क्या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड? आपने डांस देखा बहुत है क्या? इसके पीछे बैकग्राउंड ये कि मैंने 64 में आया था इस फील्ड में। अच्छा तो मैंने डांस से शुरू किया था। लो वाह 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 वाह, ये अच्छी बात है। क्या देखा वो डांस कर रहे हैं? 50-50 में मैंने क्लिप देखा। बताशा एक स्किट है तारा साहब का कि चोर सो रहा है और ये सो रहे ये चोर बन के आते हैं। घर के मालिक को अपने जैसे पैसा देते हैं फिर निकल जाते हैं। वो पता क्या था? क्या वो पीटीबी था ना, इसलिए लिखवाया नहीं गया। वो शायर का घर दिखाया था हमने कि शायर का घर है, शायर का घर है। वो कहते हैं नहीं लिख सकते शायर का घर। इन हालात में कॉमेडी हो रहे बड़ी बात होती है, समझे ना। एक दफा ये हुआ जी जी, सुनो मैंने कहा था बहुत यार बहुत हैं जी जी तारा साहब के पास। एक दफा ये हुआ कि हमने एक स्किट किया कि एक ड्रैकुला मैं बना था कि उसने जो है एक बंदे का जाके खून जो है सक किया उसने। इसके बाद डिसॉल्व मारा तो हमने देखा ब्लड बैंक है जो नीचे टिल डाउन हो गया है तो ड्रैकुला बैठा हुआ उसका खून निकाला जा रहा है। तारा साहब ने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी मूवीज की हुई हैं और कितनी डिफरेंट लैंग्वेज में इन्होंने अभी तक काम किया है, कितनी डिफरेंट लैंग्वेज में इन्होंने अभी तक एक्ट किया है ये भी सवाल करेंगे। और बहुत सारी अभी चीजें हमारे शो में बाकी हैं, बहुत सारा फन अभी बाकी है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। व
वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस गपशप टुनाइट में और हमारे साथ मौजूद हैं आज इस्माइल तारा साहब और बिस्मा मॉडल हमारे साथ मौजूद हैं, एक फिल्म कर चुकी हैं। तारा साहब से मैं बात कर रही थी कि बहुत सारी सैकड़ों मूवीज की हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में की हैं। तारा साहब कितनी मुख्तलिफ ज़बानें अभी तक आप? नहीं, फिल्में तो उर्दू ही होती है लेकिन उसमें पंजाबी, उर्दू, हाँ, बिहारी जैसे आपने प्ले किया। जी जी जी, कितनी ज़बानों में एक्ट कर चुके हैं? तकरीबन सारी ज़बानों में। हाँ, तो वही मेमनी में, गुजराती में, हाँ, पारसी में, वाह 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 वाह, और आपका पंजाबी में तो पूरी थी फिल्म, वो मेरा पूरा रोल ही पंजाबी था। जी जी। इसके अलावा सिंधी रोल की है मैंने, एक फिल्म थी लव इन लंडन, वो 86 की बात है, लंडन में की थी वो। लंडन में उन दिनों में स्ट्रगल कर रहा था मैं। हाँ, तू स्ट्रगल में था? अभी भी कर रहा है। पैदा नहीं हुए, स्ट्रगल मैंने कर रहे थे, स्ट्रगल मैं आइलैंड में था, मम्मी कह रही थी ओ मैं साइकिल पैदा होने से पहले, बस वहाँ पे मैं ऐसे जरा वो मशीनों में तेल वे लगा रहा था। अच्छा, चुप हो जा, पहले इसकी सुन लेते। हाँ हाँ, वही सुन रहे। अच्छा तारा, अच्छा तारा साहब, आपने कभी खून दिया है? हाँ, हमारे यहाँ खून का चाय निकलती है। अच्छा, मैं एक बार खून देने गया, उन्होंने मेरे जिस्म से खून ऐसा निकाला जैसे थैली से बचा हुआ सालन नहीं निकालते यूं करके। ये पूरा निचोड़ के उसके बाद से मैंने खून नहीं दिया। अच्छा तारा साहब, आपने 100 फिल्में की तो 3-4 करते टिका के करते? नहीं, 3-4 करते टिका के, अगर टिका के नहीं करते तो यहाँ होता? वाह 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 वाह, कोशिश करो, तुम लोग छोड़ूंगा नहीं मैं। नताशा, एक बात भी आप इस बात से एग्री करेंगे, खानदान में कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके आपको अंदाजा होता है कि आप अपनी 8-9 नस्लें तो तबाह कर बैठे हैं। मतलब इतनी नेगेटिविटी, इतनी हमारा जमाना। अब देखे तारा साहब से लगता है किसी लड़के से बात करें, माशाल्लाह पॉजिटिविटी, तारा को अप्रिशिएट करना। तारा भाई अपनी तारीफ कभी खुद नहीं करते, जो मुंह बनाया ना हमारा ऐसा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोगों का कह रहा हूँ सर, कुछ लोगों का कह रहा हूँ। क्या किया तुमने? वो खुद अभी जवान है यार, वो बुजुर्ग बहुत अच्छे खासा जवान बुजुर्ग आदमी है ना। अच्छा, मेरे हाथों के बुजुर्ग है, हताते बुजुर्ग है, हताते बुजुर्ग। अच्छा तारा साहब, कभी कोई नेकी गले पड़ गई हो? हाँ, आपने बोला यार ये को टाइम है आने का। क्या तो खबरें सुनाने के लिए आए हो? जी जी बिल्कुल, जबरदस्त खबर मेरे पास मौजूद है। समझ में आएगा। अच्छा, एक्सक्यूज मी भाई, ये पर्चा बाहर आ रहा टीवी से। हाँ जी, चलो सुनाओ भाई। शादीशुदा मर्दों का अनोखा एहतजाज, उन्होंने कहा है कि सैंडल और पंपी बनाने वालों से गुजारिश है कि हील बनाना छोड़ दें, ताकि वो घर में पिटाई हो तो। अरे माशाल्लाह, सैंडल देखो यार। हाँ। वजह सिंड्रेला की, सिंड्रेला की, देखिए इससे परेशानी होती है ना घर में। और कुछ है अच्छा सुनाने के लिए? हाँ। वो सुनाता रहूंगा वक्त पे वक्त पे, आप बातचीत भी जारी रखें। बंद कर रही हूं। नहीं, वो कह रहे एक खबर है, कह रहा म्यूट कर दिया उन्होंने, म्यूट कर दिया। अच्छा तारा साहब, भाभी को शॉपिंग पे ले गए कभी? भाभी को शॉपिंग पे ले जाते हैं कभी? ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। किसी की ले जाती होंगी, बहरहाल भाभी खाना बहुत मजे का बनाती है सेट पे, वो जो हमें खाने बना बना के बेचती रही है ना। अच्छा, वो हम कभी नहीं भूल सकते, इतने मजे मजे के खाने। नहीं तो तारा साहब, कभी भाभी को शॉपिंग पे नहीं लेके गए आप? यार मैं क्यों लेके जाऊं भाई? क्यों, आप शौहर हैं, हस्बैंड हैं, आपको मामू थोड़ी है। मेरे साले के साथ जाती है। अच्छा, मेरे अच्छा, अच्छा, बच्चों के साथ बिजी होते हैं आप? बिजी होते हैं बच्चों के साथ? चली गई बिजी होते, माशाल्लाह। उनके साथ जाएंगी तो दुनिया वैसे ही घिर लेगी इनको, तो भाभी क्या शॉपिंग कर पाएंगी? मैं वहाँ अमेरिकन वीजा लगवाने गया ना जब, हाँ हाँ हाँ, तो उसने पूछा कि भाई आप अपनी मिसेस को क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, तो मैं कहा फायदा फिर। वही वाली बात है कि रेस्टोरेंट में भी कोई टिफिन ले जाता है। अच्छा नहीं, भाभी को जब भी शॉपिंग पे ले जाएं, भाभी को ऐसी सैंडल दिलवाएगा जिसका दर्द आप बर्दाश्त कर सकें, ये कह रहा था। उसी न्यूज़ वही थी। हाँ, न्यूज़। अच्छा, झगड़ा होता है ये आप लोग बीवियों को इतना ये और ग्रांटेड क्यों लेते हैं? मैं नहीं लेता, ये लेता है हमेशा। मैंने नोट किया, ये मैंने भी नोट किया, जितने मर्द हजरात हैं, जितने भी मर्द हजरात, हम लोग तो बच्चे हैं, मैं तो छोटा बच्चा, ग्रांटेड क्यों लेते हैं भाई? मैं तो शोरों से कहता हूँ, अगर आप लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ वेकेशन पर जा रहे हो तो वो वेकेशन नहीं है, वो चेंज ऑफ लोकेशन है। वही बरकत, हमारी मॉडल बैठी बड़ी प्यारी सी, रैंप कर रही होती है, कभी किसी पे गुस्सा आया आपने? कि ये लड़का जो इसकी, ये मुझे सही नजरों से नहीं देखा, उतर के इसको डांटूंगी, होता है किसी को, किसी के ऊपर गुस्सा आया कभी रैंप के ऊपर? नहीं, एक्चुअली जब हम रैंप पे होते हैं तो हम सामने देख रहे होते हैं, इधर उधर देखने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ। कि हम किसी को देखे, इग्नोर कर रही होती है सारी मॉडल्स, यहाँ वहाँ बैठे हुए लोगों के पीछे तो अच्छा लगता है ना, लाइक अगर हम रैंप पे चल रहे हैं और कोई पीछे से अगर कोई शोर मचा रहा हो, यही इजाजत ले ली थी आपसे। क्या तुमने कहा था, किस नजरों से? मेहनती नजरों से, मेहनती मेहनती नजरों से।
नहीं एक लड़की मुझे कह रही है मेहनती नजरों से। हाँ नहीं सर साहब शिकायत है क्यों नहीं देख रहा मेहनती नजरों से। नहीं देख रहे सर रिस्पेक्ट कर रहे हैं बिकॉज जितने भी मेहमान हैं विद होस्ट दे ऑल आर रिस्पेक्टेबल पर्सन। अच्छा बिस्मा कभी मोहब्बत हुई है? हाँ मोहब्बत हाँ हुई है। किस हद तक मोहब्बत हुई है, शादी करने का क्या प्लान है? ये वैसे तो ये एक सैड स्टोरी है तो सुना दे हम लोग सुन लेंगे। 13 एपिसोड किए कितने? नहीं नहीं थोड़ी सी स्टोरी है। मेरी एंगेजमेंट हुई थी फिर उसके बाद मेरे जो फियांसी थे उनका इंतकाल हो गया था तो लाइक ये छोटी सी लव स्टोरी है मेरी। अच्छा अच्छा जी छोटी लेकिन मोहब्बत तो यानी कि आपकी अच्छी ऐसी मोहब्बत थी कि शादी तक थी। हाँ देखिए लेकिन हाँ मर्द खत्म नहीं हो गए अभी भी है आप ढूंढे। अच्छा मेरी बात सुनो बिस्मा ये हम बरकत के लिए बंदा हम बरकत के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं बिस्मा। कितना हैंडसम स्टार है भाई हैंडसम ब्रॉड माइंडेड हस्बैंड हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बोले 5 बजे आवे सुबह उन्होंने मुझे बैक स्टेज ही बोल दिया था बेटा ये बरकत के लिए रिश्ता ढूंढ रही है इसकी हरकत देखिए वो सबको कहते हैं उसकी बात अच्छा। सुनो ना वो सबको कहता है बेटा अच्छा अंदर दिल की बात सुनो उसकी। मैंने कहा रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना नहीं वो कहता मैं यहाँ बैठा हूँ। देखिए प्यार एक तरफा होना चाहिए दो तरफा होने पर शादी हो जाती है। म्यूजिक से कितना लगाव है? ये कौन ये आप दोनों से सवाल है मुझे नहीं पता ना किससे पूछ रही दोनों से सवाल है दोनों से म्यूजिक से बहुत सुनने की हद तक बड़ा लगाव है मेरा जबरदस्त। और अगर कोई क्लासिकल गा रहा हो ना तो मैं पकड़ लेता हूँ हालांकि गा नहीं सकता मैं हाँ। लेकिन पकड़ लेता हूँ ये गलत जगह लगाई है। हाँ, बिल्कुल ये तो है। कभी कभी आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या थके होते हैं तो फिर आप म्यूजिक लगा के अपने आप को रिलैक्स करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन है ना? हाँ, हाँ। कोई पुराने गाने कोई अच्छा म्यूजिक कोई आजकल का फजूल म्यूजिक नहीं? नहीं नहीं पुराने गाने सुनते हम पुराने गाने बड़े पाकिस्तानी पुराने गाने कितने जबरदस्त क्या बात है। बिस्मा तुम तो डेफिनेटली फास्ट सॉन्ग सुनती होगी मुझे लगता है तुम्हें देख के। देखिए मूड के ऊपर डिपेंड करता है कभी मैं बहुत फास्ट सुनती हूँ हाँ। कभी ये होता है कि पुराने भी सुनती हूँ कभी गजलें भी सुनती हूँ गजलें भी बहुत अच्छी लगती है मतलब डिफरेंट डिफरेंट के साथ डिपेंड करता है कि क्या माहौल है उसके हिसाब से फिर और आपके मूड के हिसाब से मूड के हिसाब से। अच्छा हम लोग ना अपने हर शो में ना एक न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ठीक हो गया जो अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं आगे पहुंच सकते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता हो एक मौका देते हैं हम लोग बाकी अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और आमीन। आगे आमीन। अगर वो जा सकते हैं उनके पास टैलेंट है तो फिर वो डेफिनेटली आपको पता टैलेंट कभी जिंदगी में छुप नहीं सकता कहीं ना कहीं निकल के तो आ ही जाता है स्प्रिंग की तरह होता है जितना जोर से दबाओ उतना जोर से उछलेगा। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको टाइम है आपके पास? जी बहुत टाइम है बाकी कट जाएगा। अच्छा बात ये है कि ये जो फील्ड है ना हमारी एक्टर सिंगर ये वाइट फील्ड है जिसमें सोर्स एक दफा चलती है बाकी काम चलता है। वाह 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 भाई आप ताल्लुकात के जरिए आ गए हैं अब आपका काम बताएगा कि आप सही हैं या गलत हैं। ये तो है ना हाँ लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे हम दोनों तुम दोनों का मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ क्या टाइमिंग है उसमें क्या टाइम हाँ नहीं क्या बात आप करोड़ों की पब्लिसिटी करते हैं बिल्कुल लेकिन आप पब्लिक को ये नहीं कह सकते यार ये रखो उसको हिट करवा दो। वाह 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 ये नहीं हो सकता ये लाखों लोगों को देखना होता है तो ये इतनी खतरनाक फील्ड है जी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चलें वो रिश्वत वाली बात के हमारी इंडस्ट्री में ये तो हो नहीं सकता लेकिन हाँ कभी कभी पर्चियां आ जाती हैं लेकिन वो पर्चियां भी एक या दो दफा पर्ची तो चल जाएगी अगर टैलेंट नहीं है तो लोग तो घर बिठा ही देते हैं। बिल्कुल यही बात कहना यही बात है। चले जी बुलाते हैं अपने न्यू टैलेंट को और इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे भी और आप लोगों ने भी बताना है। इस्माइल तारा साहब को यहाँ पे बहुत इस चीज की सेंस है कि गाना कितना बेहतर गाया है हम जज करेंगे उनके गाने के बाद आप लोग भी कीजिएगा और अगर वो अच्छा गाएं तो प्लीज उनको सराहिएगा जरूर हम भी सराहेंगे। सो प्लीज वेलकम फरियाल
चुके हैं वापस कप शप टुनाइट में और हमारे साथ हैं इसमें तारा साहब और बिस्मा और मजे मजे की गप्पें लग रही हैं। अभी हम लोग ब्रेक में थे तो तारा साहब एक बहुत मजे का हमें वाकया सुना रहे थे, तो मैंने तारा साहब से कहा कि प्लीज यहीं पे रुक जाएं। सो प्लीज तारा साहब, क्या वाकया है वो? अच्छा, वो थिएटर में था, लंगड़े का रोल था। किसका? लंगड़े का। लंगड़े का रोल। अब लंगड़े का रोल है, एंटर हो गया मैं, तो आपने कहना है अभी आपकी एंट्री नहीं है। अच्छा ठीक है, ये मैं गलत घुस गया हूं। हाँ। अभी आपकी एंट्री तारा साहब, आपकी एंट्री नहीं है। ये भूल गए, कैरेक्टर ही भूल गए। फौरन ही कैरेक्टर से बाहर आ गए कि मेरी एंट्री नहीं है, तो कैरेक्टर से ही बाहर निकल गए आप। उसी अंदाज में जाते हैं ना। हाँ। सीधा ही हो गया। अच्छा बिस्मा, ये बताओ कि कभी गुस्सा आया बहुत ज्यादा? अक्सर आता रहता है गुस्सा बहुत ज्यादा। वैसे एक बात बताऊं मैं, सॉरी जी जी, गुस्सा जब आता है, जब हिट होने के बाद आता है गुस्सा। और नहीं, जब बंदा हिट ना हो रहा हो जब भी आता है। ये क्या बात है? नहीं तारा साहब, ये क्या बात है? गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है, उस जैसे को आ जाता है। इसको आता है, इसको सिर्फ उल्टी आती थी मैं समझा, लेकिन गुस्सा भी आता है। आप उनकी फोटो खींचो, उनको दिखाओ नहीं। अच्छा बताया बताया यार, इनसे बात। अच्छा गुस्सा कैसे निकालती, कैसे हो गुस्सा? मैं बर्तन तोड़ देती हूँ घर के, बर्तन सारे या जो भी, मुझे मेरे ग्लास तोड़ दिए। मुझे कुछ तोड़ना के करीब है। ये बताओ कि कभी अपना मोबाइल तोड़ा है गुस्से में? बहुत दफा। अब नहीं तोड़ती क्योंकि पता है खुद ही के लेना होगा। हाँ, तो इस वजह से नुकसान अपना ही हो जाता है। हाँ, ये कह रहे जिनके टूटे उनका नुकसान हुआ होगा। ये कह रहा इसको म्यूट ही कर दो बेहतर है। गले में गुदूत। टच होता हुआ है इनके, इन्होंने कॉपी किया है। म्यूट ही कर देना चाहिए तुम्हें। कोई ढंग की बात करनी है या नहीं? ये इसके पास यही है सारी बात। अच्छा नताशा, इसको पहले म्यूट कर दो, दोबारा बीच में ना बोल पड़े। नताशा आप दोनों। हाँ। खातून से मेरा सवाल, लड़कियों की जिंदगी के दो उसूल होते हैं, ये बात सच है कि लड़कियों की जिंदगी के दो उसूल होते हैं? अम्मी ने मना किया, उन्होंने मना किया, दैट इज ट्रू। अच्छा एक मिनट जवाब आना, कुछ बोल नहीं। हाँ, शादी से पहले अम्मी ने मना किया है। हाँ। और शादी के बाद उन्होंने मना किया। बात सुनिए, बात सुन। हाँ। भोंगे मार रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा तारा साहब दो सवाल। अच्छा भाई, उससे उसका जवाब तो ले लो। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका तो अभी भी बचपन है, इसका बचपन चल रहा है, तारा साहब का बचपन चल रहा है। यार वो अम्मी से पूछने वाला सवाल। अच्छा हाँ, वही यार, इससे सवाल कर लो, गुस्सा आएगा तो सेट ना तोड़ देंगे। बहुत सारी चीजें रखी हुई, बर्तन समझ के ना तोड़ दे भाई। एक्चुअली अम्मी ने आज तक कुछ मना नहीं किया और वो मेरे है नहीं। अल्लाह बेहतर करे, आजाद साहब मंजिल आसान। हाँ, वेरी गुड। अम्मी ने मना नहीं किया, लकी गर्ल। मेरी अम्मी तो हर बात पे मुझे मना करती हैं। खाना भी बाहर का क्यों खाया है? ये ट्राउजर भी एक इंच ऊंची क्यों थी? बाहर का मैं भी नहीं खाता। आज तुम लेट क्यों हो गई? आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? बाहर का मैं भी नहीं खाता, मैं तो समोसा भी खाता हूँ, उसके अंदर का खाता हूँ, बाहर का फेंक देता हूँ। अच्छा तारा साहब, हमारे पास एक बहुत मजे की गेम है। जी जी। ये आपके हेडफोन्स कान पे लगा दिए जाएंगे। हाँ। म्यूजिक ऑन कर दिया जाएगा, आपको आवाज नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ या ये लोग क्या बोल रहे हैं। ओके। आपको एक वर्ड दिया जाएगा जो आपने लिपसिंक से पहचानना है कि मैं क्या बोल रही हूँ या वो दोनों क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मा से शुरू करते हैं। छिपकली। चमेली। नहीं नहीं। छिपकली। छिपकली। चमेली। छिपकली। 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 ओके, एक और एक और आप पूछ रहे हैं? जी जी, मैं पूछता हूँ।
मक्खी का पर. गुड गुड गुड. मक्खी मनी. मक्खी मनी. नहीं पैसे कहाँ, हम लोग आर्टिस्टों के पास कहाँ होते हैं. नहीं पैसों की बात नहीं कर रहे. अच्छा मक्खी. ये मक्खी नहीं है, ये मच्छर है. आसान नहीं कर. अच्छा चलो चलो. मक्खी का पर. मक्खी का पर. मक्खी पची. इसको नहीं पचेगी भाई. मक्खी. मक्खी. यस. का पर. पर पर पर. आखिरी आखिरी बरकत. मनुसियत. बेवकूफी. ये कहां बे. ओके ओके. मनुसियत. बदसूरत. हाँ तकरीबन तकरीबन. मनुसियत. मनहूसियत. मनहूसियत. मैं पूछूं. मैं पूछूं. आप पूछा. आप पूछा. आप आहिस्ता. लेकिन सेम और थोर. सेम और थोर. सलीम और सोर. थोर तो सही है. थोर तो सही है. सलीम बोला है. सलीम एंड सोर. कोई दूसरा पूछ ले. तरबूज. 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 वाह वाह. सारा साल की बारी. सब सब सही किया. वेरी गुड वेरी गुड. आनी अच्छा किया. बहुत अच्छा किया तारा साहब. अब आपने उतना ही बुरा करना है. मैं पूछूं. छुछुंदर. 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 क्या कह रही है यार. छा होता है. छुछुंदर. 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 चुकंदर. हाँ करीब करीब करीब. वाह वाह. चुकंदर. हाँ हाँ. नहीं नहीं नहीं. छुछुंदर. छुछुंदर. वाह. गुड 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 गुड. उसे पूछेगा. अगर बत्ती. अगर बत्ती. अगर बत्ती. अगर बत्ती. कुछ तो बोले. सोच रहे कि क्या पूछा गया था. अगर बत्ती. अगर बत्ती. ब्लैंक हो गए तारा साहब. अगर बत्ती. अगर बत्ती. मगरमच्छ. अगर बत्ती. अगर बत्ती. वाह 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 वाह. खरगोश का बच्चा. मदहोश का बच्चा. करीब करीब है. करीब करीब है. खरगोश. 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 खरगोश का बच्चा. वाह 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 वाह. अब नताशा अब मुश्किल पूछे आप. भाई चैंपियन आदमी है. डबिंग की है. डबिंग की है फिल्मों की. अनारकली. 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 गुड़ की दली. गरीब गरीब है. अनारकली. गरीब कहाँ था. अनारकली. अनारकली. वाह 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 वाह. भाई वाह. जबरदस्त. ये चला गया. तारा साहब जाते हैं इसको घर ले जाइएगा. ये आपका हुआ. इसको. हाँ. ये आपका हुआ. ये आपका हुआ. ये टीवी है. टीवी के अंदर बैठा इंसान. हाँ. ये अंदर बैठा इंसान. टीवी के अंदर बैठा इंसान. हाँ भाई क्या सुनाना चाहते हो जल्दी से सुनाओ. अबे टीवी से बाहर निकल आया ये तो. भाई उससे वॉल्यूम खोल दिया करो. बिलावे का बिठा भूल गई. वो म्यूट करके बोल रही हूँ. ये ले ये ले. कह रहे वॉल्यूम. हाँ हाँ. थैंक यू जी. बिस्मा जी अब आप बताएं फिल्म के बाद अब आपका क्या मूड है. क्या करना चाह रही हो. मैं टीवी की तरफ आना चाह रही हूं. नजर आई है टीवी की तरफ. तो आए ना टीवी की तरफ. वहां क्यों बैठी. नहीं मैं एक बात. मैंने जो कॉमेडी शुरू की ना नथा टू बी वेरी ऑनेस्ट इनको देख के की. मैंने इनको देख के शुरू की. तो कर क्यों ना. अभी तक कर क्यों नहीं रहा. कह रहे तू अभी तक कर क्यों नहीं रहा. फिर आपने इनसे सीखा है. इनसे बहुत. और आप इनको कॉपी भी करते हैं समा. बेशक बेशक. वो तो शुगर है. उस वक्त तारा साहब को पता नहीं था. मतलब काम छोड़ देते कि ये भी सीख रहा है. लेकिन मुझे आपके अंदर कहीं नजर आए नहीं है तारा साहब आज. नहीं नहीं मैं नजर आने भी नहीं देता. कैरेक्टर होता तो मिलता करता हूँ मैं. लेकिन ये बहुत अल्लाह आपको सेहत दे जिंदगी दे सर. आमीन. बाकी अल्लाह पे मैंने छोड़ दिया. अल्लाह की बेहतरी. इंशाल्लाह बेहतर होगा. अल्लाह आपको सेहत दे जिंदगी दे सर. अच्छा तारा साहब बचपन में टायर चलाते थे. टायर बहुत चलाया. टायर बारिशों में कितना मजा आता था. अच्छा ये भी होता था ना. हम उस जमाने में करते थे
पर्स जो है वो सड़क पे फेंक दिया धागे के साथ, बड़े बड़े सोबर लोग बेचारे शर्मिंदा होते थे, वो पर्स पड़ा हुआ इधर उठाया हल्का सा खींचा फिर आ गया, फिर अब उनको ये समझ नहीं आ रही है गिल कैसे रहा है। आखिर तक आके आखिर तक मेरे पास जब आया ना तो पता क्या कर रहा है वो, ये पर्स पर्स आप अच्छा मैं कह रही थी ना जैसे कि आज हमने अप्रैल फूल पे बात की, तो अप्रैल फूल में आप किसी को हर्ट ना करें, किसी को तकलीफ ना दें, और मैंने वहां पे ये भी कहा था अगर आप लोगों को याद हो कि जो बच्चों वाली शरारतें होती है ना वो अच्छी समझ में आती है, बड़ों पे तो शरारतें नजर नहीं आती। अब जैसे ये अपने बचपन का वाकया सुना रहे हैं, ये कितने मजे की शरारत है कि किसी को तकलीफ भी नहीं हो रही, कोई हर्ट भी नहीं हो रहा और फूल भी बन गया और ये सारी चीजें में घर की बेल बजा के भाग गए, वो बचपन की चीजें थी, किसी ने आगे दरवाजा खोला आगे कोई है ही नहीं। अच्छा उस जमाने में सुराख वाला पैसा होता था, अच्छा पैसा एक सुराख वाला, वो रबड़ से बांध के इधर लगा देते थे, अब आपको दिया तब अंदर। अच्छा नताशा हमने तकरीबन को कितने हजार हमने शोज किए हैं, हमने अपने जिसमें गेस्ट आए, तुम्हारा फैसला नहीं नहीं अरे तो अल्लाह का शुक्र है पहली बार जिनसे मैं इंस्पायर था, जिनसे मैं इंस्पायर हूँ आज पहली बार उनका इंटरव्यू, तारा साहब इस प्रोग्राम में आ पाए, मैंने कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ ही नहीं कि तारा साहब आए, तारा साहब के पहली बार, और मैं भी पहली बार ही इंटरव्यू कर रही हूँ, मतलब इनके साथ मैं शो कर रही हूँ पहली बार ही कर रही हूँ, लेकिन मैं अंदर से बड़ा प्राउड हूँ सर तारा साहब क्या प्रोग्राम में करना नहीं नहीं अल्लाह डेफिनेटली क्यों नहीं, इतना मजा आ रहा है, अल्लाह आपको सेहत दे जिंदगी दे मोहताजी से दूर रखे सर। अच्छा आपने एंजॉय किया ऐसा वैसा एंजॉय किया, और तारा साहब जाते जाते ना एक जरा अप्रैल फूल के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को जरा बताते जाएंगे खुदा का वास्ता ये अप्रैल फूल टाइप नहीं, मैं तो खिलाफ हूं ना किया करें, हाँ लोग और उसमें बड़े बड़े संजीदा वाकयात हो जाते हैं, हाँ और मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमेशा सच बोलो, अगर बोलते ही भाग सको तो ये मैं प्रॉब्लम है। तारा साहब आई लव यू, God bless you. We love you. अपना ख्याल रखिएगा. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आप आए, आपने टाइम निकाला, हमारे शो को खूबसूरत किया, और आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, शब बखैर, गुड नाइट, और जाने से पहले एक मजेदार सा गाना। Da da da.